संभल के भेजोई में जिलाधिकारी संजीव रंजन ने भेजोई मंडी समिति में स्थित धान के केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने क्रय केंद्रों पर जाकर व्यवस्थाएं देखी। जिलाधिकारी ने बताया कि जो पतला धान है वे मंडी में खरीदा जाएगा। मोटे धान की आवक कम है। दो किसान मोटे धान लेकर आए थे, उनकी खरीद को चालू करा दी गई है। क्रय केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। बिना किसी परेशानी के किसानों से धान की खरीद की जाएगी। अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है तो प्रॉपर नियंत्रण किया जाएगा। जो एक ही जगह 3 सेंटर चालू थे उनको अलग अलग शिफ्ट कर दिया गया है। कम है जो हमारे पतले धान है, बासमती इत्यादि है, वो तो मंडी में आ रहे हैं, लेकिन मोटे धान की आवक कम है। दो किसान हैं जिन्होंने अपना धान लेके आया था, परंतु उसकी तौल अभी शुरुआत नहीं हो पाई थी, उनका तौल शुरुआत करा दिया गया है। और व्यवस्था जो है वो बिल्कुल दुरुस्त की जा रही है। कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आने दी जाएगी। जो भ्रष्टाचार की अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर प्रॉपर नियंत्रण रखा जाएगा। और जो सेंटर 3 सेंटर एक ही जगह काम कर रहे थे उनको अलग अलग हम करा रहे हैं।